Good morning, all of you. This is Mr. Pizzataitis. So, students, today we will discuss chapter number 6 from your book of Moment and as for the class 9th English language and literature. So, the chapter name is Weathering the Storm in Ashrama. Okay, in this chapter, we will see about the affection of the cyclone. And this is the story of Orissa. Okay, cyclone is very, you know, that is taken place in 1999, and they killed thousands of people. Okay, ये cyclone जो है, hundreds of villages को destroy कर दिया, और thousands of लोगों को मार दिया. तो इन बीच में प्रशांत नाम का एक लड़का है, एक young man है. वो किस तरह से अपने हिम्मत को जुटाता है और साथ ही साथ अपने गांव के लिए किस तरह से वो एक अच्छा काम करता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे. ओके, सो वीडियो के एंड तक आप लोग देखना, इधर उधर नहीं होना. ओके, सो आई विल रीड एंड ट्रांसलेट इट इन हिंदी. ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to block the headquarters of Ashrama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. तो लगभग माँ के मरे हुए 7 साल के बाद एक लड़का होता है जिसका नाम है प्रशांत. वो क्या करता है कि 27 अक्टूबर 99 को अर्शमा ब्लॉक का जो हेडक्वार्टर है, जो कि उसके गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पे है, और वहां पे अपने दोस्त से मिलने के लिए, अपने दोस्त के साथ रहने के लिए वो क्या करता है, वहां पे चला जाता है. लेकिन फिर होता क्या है उसको आगे हम देखेंगे. इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड विंड बीट against the house with a speed and a fury that Prashant had never witnessed before. तो संध्या के समय की बात है, और तभी बादल सब इकट्ठा हो जाते हैं. होने के बाद जो स्ट्रॉम है ना, वो क्विकली गैदर्ड हो जाते हैं. होने के बाद विंड जो है बहुत फारी और भयंकर स्पीड से बहने लगता है, और इस तरह का नजारा प्रशांत ने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा था. हैवी एंड इंसिस्टेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस अनसीन द ट्रीज वेयर अपरूटेड एंड क्रश्ड टू द अर्थ. तो जो बहुत ही पुराने पुराने पेड़ जो थे, वो सभी क्या हो गए, उखड़ गए. वो सब उखड़ गए. और स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे. और लोग हैं, उसके साथ घर है, वो सभी क्या हो गए, पानी में बह गए. द एंग्री वाटर स्वर्ल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक्स्ट डीप. तो ये जो पानी है, अब क्या होता है कि जिस घर में प्रशांत था अपने दोस्त के साथ, और उसी घर में क्या होता है, उसी घर में क्या होता है कि और पानी खूब अंदर चला जाता है. वीडियो म्यूट में रखो, मैं रिकॉर्डिंग में हूँ समय, आवाज म्यूट में रखो. तो पानी जो है दोस्त के घर के अंदर घुस जाता है. द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टर एंड वॉज स्ट्रॉन्ग एनफ टू सर्वाइव द डाइवर्सेशन ऑफ द विंड्स वायलेंटली ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर्स. घर जो है थोड़ा मजबूत था कि 300 किलोमीटर स्पीड में हवा बहने के बावजूद भी घर जो है स्ट्रॉन्ग होने के कारण अब वो बचा रहा. बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रो with the crashing of tree and the heart got uprooted and fallen on their house taken as a key
जो पेड़ हैं वो सभी उखड़ जाते हैं। उखड़ने के बाद वो क्या होते हैं कि और घर के ऊपर गिर जाते हैं, और गिर भी गए सम टाइम द मिडिल ऑफ द नाइट, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल, समय समय पर रूफ वॉल, ये सभी ये विंड के कारण, पेड़ पौधे गिरने के कारण ये डैमेज होता गया। द ग्रेट डिस्ट्रक्शन वेयर बाय द साइक्लोन एंड द शोर्स ऑफ द ओशन कंटिन्यू टू द नेक्स्ट 36 आवर्स, ऑल्दो विंड स्पीड हैज रिड्यूस्ड समव्हाट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग। इस प्रकार से करीब 36 आवर्स तक हवा चलता रहा, तूफान होता रहा, बारिश होता रहा, लेकिन हवा का जो स्पीड नेक्स्ट डे में थोड़ा कम हो गया। टू एस्केप द वाटर राइजिंग द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रेफ्यूज ऑन द रूफ। तो इस तरह से घर के अंदर पानी घुसने के कारण प्रशांत और उस परिवार में जितने लोग थे, अपने आप को बचाने के लिए वो छत के ऊपर चले गए। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन वो वर्क बाय द सुपर साइक्लोन इन द ग्रे लाइट इन द अर्ली मॉर्निंग। जो भी दृश्य प्रशांत ने देखा है, और ये दृश्य को वो सुबह के समय पर जो दृश्य को उसने देखा है, वो दृश्य को कभी भी वो भूल नहीं पाएगा। द राइटिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आईज कुड सी, ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेस। जैसे वो सुबह अपनी आंख उठा करके देखता है तो चारों ओर एक ब्राउन चादर बिछी हुई जैसा दिख रहा है। वो और कुछ नहीं था, पानी था। जो सीमेंट हाउस है वो तो खड़े थे, बाकी सबका सब डूब गया और बाकी सबका सब बह गया। ब्लोटेड एनिमल कार्कासेस एंड ह्यूमन क्रॉप्स फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। इंसान, एनिमल, क्रॉप्स, ये सभी क्या हो गए, जो हमारी डेड बॉडी है वो सब इधर उधर तैरता हुआ बहता हुआ नजर आ रहा था। ऑल अराउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हार्ड ऑफ फॉलन, केवल इतना ही नहीं बल्कि जो बड़े बड़े पेड़ थे वो भी क्या हो गए कि गिरने लगे। टू कोकोनट ट्री हार्ड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, जिस घर में वो लोग रह रहे थे और उसी घर के छत के ऊपर दो नारियल के पेड़ जो है वो टूट करके गिर गए। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्री केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्टिंग द सेवरल डेज दैट फॉलोड। तो ये उनके लिए एक आशीष का कारण बना, क्योंकि जिस छत के ऊपर वो रह रहे थे वहां पर नारियल का पेड़ गिरने के कारण उनको काफी मात्रा में नारियल मिल गया, और जिसके चलते वो नारियल को खाने लगे, अपने भूख मिटाने लगे। फॉर द नेक्स्ट 2 डेज प्रशांत स्टार्ट हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन द रूफटॉप। तो अगला 2 दिन जो है प्रशांत और उसके जो दोस्त का परिवार है वो सभी छत के ऊपर ऐसा ओपन जो स्पेस है वहां पर रहने लगे। दे फ्रॉज द कोल्ड एंड इंसिस्टेंट राइन द रेन वाटर वाश्ड अवे प्रशांत टीयर। प्रशांत के जो टीयर है ना, रेन वाटर उसको बहा करके ले जा ले गया, वैसा कहते हैं। वे सभी ठंड में खड़खड़ाने लगे, इसी प्रकार की हालत में वो सभी ऊपर थे। द ओनली थॉट दैट द फ्लैश थ्रू हिज माइंड वाज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ सुपर साइक्लोन। ये सभी परिस्थितियों में वो अपने मन में सोच रहा था क्या अब तक उसका परिवार जिंदा होगी या फिर किसी बाढ़ में बह गए होंगे। वा ही टू बी ग्रैब्ड वंस अगेन, क्या वो
अभी भी मतलब इस हालात से अपने आप को छुटकारा दे पाएगा। टू डेज लेटर विल सीम टू प्रशांत लाइक टू ईयर्स, ये इस तरह की जो 2 दिन गुजर गया, ये 2 दिन प्रशांत के लिए 2 साल के जैसा लग गया। द रेन सीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोली बिकम टू रिड्यूस, बारिश रुक जाता है, तो बारिश का जो पानी है धीरे धीरे उसका स्तर घटने लग जाता है, कम होने लगता है। प्रशांत वाज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, तो बिना लेट किए प्रशांत अभी क्या करना चाहता है कि अपना परिवार को ढूंढने के लिए, अपने परिवार को खोजने के लिए वो जाना चाहता है। बट द सिचुएशन वाज स्टिल डेंजरियस एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीज्ड विद प्रशांत टू स्टे बैक, प्लेस्ड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर, बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ कि प्रशांत जाना चाहता है, लेकिन उसका दोस्त के परिवार वाले वो कहते हैं कि नहीं, अब इस स्थिति में कोई सुधार नहीं है, डेंजरस तो अभी है, लेकिन प्रशांत की तरह क्या करता, उसको तो जाना ही था और इसलिए वो जाना ही चाहता है। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद द लॉन्ग स्ट्रॉडी स्टिक एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन बैक टू हिज विलेज थ्रू द स्वलन बट वाटर। तो एक स्टाफ लेता है, मतलब एक बांस का एक डंडा लेता है, और डंडा लेने के बाद वो 18 किलोमीटर जर्नी तय करने के लिए जाता है, और वो भी उस स्वलन बट वाटर में, जो खुला हुआ वाटर जो है उसी के ऊपर बहते हुए चलते हुए जाना चाहता है। इट वॉज ए जर्नी ही कुड नेवर फॉरगेट, ये ऐसा एक जर्नी था जिस जर्नी को वो अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल पाएगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटरमाइन वेदर द वाटर वॉज मोस्ट शालो। तो लाठी के सहारे वो क्या करना चाहता है कि आप देख सकते हैं फोटो में कि वो लाठी के सहारे नापना चाहता है कि भाई अब तक वहाँ थोड़ा बहुत चलने के लिए है या फिर बहुत गहरा है, तो इस तरह से नापते हुए आगे बढ़ता है। एट अ प्लेस इट वॉज वाइट डीप और लगभग कमर उतना ही डीप था पानी, एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, धीरे धीरे वो जा रहा था। एट सेवरल पॉइंट पे ही लॉस्ट द रोड एंड हार्ड टू स्विम, ऐसा बहुत जगह में वो रोड को मतलब लॉस्ट खो देता था, फिर उसके बाद वो तैरते हुए जाता था। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वेर ऑल्सो टर्निंग टू देयर विलेज, कुछ देर आगे जाने के बाद वो फिर उसके दोस्त का अंकल को देखता है कि वो लोग भी और गांव की तरफ जा रहे हैं। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, मन में ऐसा सोचते हैं कि वो सभी मिलजुल करके आगे जाएंगे। As they waded through the water, the sense they witnessed grow more and more macabre. तो जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं और स्थिति और भी खराब होता हुआ दिख रहा है। They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against as they moved ahead. जैसे जैसे वो आगे चल रहे हैं तो डेड बॉडियाँ जो क्या है और एनिमल्स का जो बॉडी है वो सभी पानी में तैरता हुआ नजर आता है, और चलते चलते वो सभी को वो मतलब हटाते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। रियलिटी में ये बहुत बड़ी और दर्दनाक बात है। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड दे कुड बैरली सी ए हाउस स्टैंडिंग, जैसे जैसे गांव को पार करते हुए वो जाते हैं तो रेयरली वो कोई घर बचा हुआ ऐसा देखते हैं। प्रशांत नाउ शब्द आउट लाउड एंड लॉन्ग, प्रशांत बड़े मतलब ऊंचे आवाज करके वो रोने लग जाता है।
He was sure that his family could not have survived his catastrophe. तो उसे ऐसा लगने लगा कि definitely अब उसका परिवार जो है बचा नहीं होगा. Eventually प्रशांत reached his village कालीकुदा. प्रशांत कालीकुदा नाम की जगह है, वहाँ पे उसका गांव पहुंच जाता है. His heart went cold where their home one stood. जैसे उनके घर को उसने देखा तो घर तो अभी था वहाँ पे. There were only remains of its roof, तो छत ही दिख रहा था. Some of their belongings were caught meant and twisted in the branches of tree just visible above the dark water. तो वाटर बिल्कुल जो है डार्क डार्क का दिखता है, उसका खत्ती थोड़ा दिख रहा है. यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली. उसके बाद यंग प्रशांत रेड क्रॉस की तरफ चला जाता है कि अपना परिवार के जो सदस्य है उनको वो देखे. अलोंग द फर्स्ट पीपल ही शो इन द क्राउड वाज हिज मैटरनल ग्रैंडमदर. फिर उसके बाद उसकी भीड़ में वो अपना मैटरनल ग्रैंडमदर को देखता है. वीक हिज हंगर, जो भूख से बड़ी कमजोर दिख रही थी. रस्ट टू हिम आर हैंड्स आउटस्ट्रेच देयर आइज. फिर वो महिला आगे आती है ना, रोते हुए पिलकते हुए उसके पास पहुंचती है. इट वॉज ए मिरेकल, ये रियलिटी में बहुत बड़ा चमत्कार था. दे हैड लॉन्ग गिवन हिम फॉर डेथ. तो एक बुजुर्ग महिला है वो अभी तक जिंदा रहेगी, ये रियलिटी में एक बहुत बड़ा चमत्कार है.